हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप भी बहुत देर तक गाने सुनना पसंद करते हैं, कॉलिंग पे बात करना पसंद करते हैं, तो अपने पुराने तरीके को छोड़ दीजिए। जैसे कि लील लगा करके गाने सुनना, इससे तार वार झंझट ये सब छोड़ दीजिए। हाथ में फ़ोन पकड़ कर बात करना, जिससे कि हाथ में दर्द हो जाता है यार, बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपके लिए मैं एक उमदा नुस्खा लेकर आया हूँ, दिखाता हूँ क्या है। जैसे कि हम अपने डब्बे में देखते हैं, इसमें अमेजोन का ये पिटारा है, इसमें से निकालता हूँ क्या है। टन टन, ये हमारा बोट रॉकर्स 255 नेक बैंड है। दोस्तों ये इतना लाइट वेट है कि क्या ही बताऊँ। अगर इसको आप अपनी गर्दन में डालेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा यार ये है या नहीं है। इसका जो वेट है वो 30 ग्राम से, मतलब 30 ग्राम का वेट है इसमें, आपको पता ही नहीं लगेगा। इतना ईजी वेट है और बहुत ही लाइट वेट है दोस्तों। अगर आप इसे अपनी नियर बाई शॉप पर कहीं पर भी खरीदने जाते हो तो ये 2000 से 2500 रुपये तक का आपको ये मिल जाएगा। बट इसको मैंने डिस्काउंट ऑफर में लिया था, बताता हूँ आगे वीडियो में कहाँ से लिया था और कितने का लिया था। दोस्तों अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसका रिव्यू, मतलब इसमें देखते हैं क्या क्या फीचर्स है और किस अकॉर्डिंग ये इतना बेस्ट है। चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। जैसे कि हम आ गए हैं इसकी अनबॉक्सिंग तरफ, अब इसको हम करते हैं अनबॉक्स और इसमें देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको, मतलब क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है और क्या क्या मतलब फीचर्स हैं इसके अंदर जो इसको इतना बेस्ट बनाती है। ये है बोट का रॉकर्स 255 प्रो। करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। जैसे कि आप इस पर देख पा रहे हो, बॉक्स के पीछे इस पर कुछ मैंशन है। ये सारे हम जो भी टॉपिक हैं इसको आगे वीडियो में देखेंगे, पहले करेंगे इसको अनबॉक्सिंग। और इसके जो बॉक्स पर प्राइस आप देख पा रहे होगे, 3499 रुपीज़ का इसका प्राइस है दोस्तों, जो कि बहुत ही हाई है। बट इतने प्राइस पर कोई नहीं देता, आप इस पर नियर बाई शॉप पर जाकर, जैसे मैंने बता दिया, 2000 से 2500 रुपये तक का आपको ये मिल जाएगा। चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग तक, करते हैं इसको अनबॉक्स। जैसे कि हम इस पर सील हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं इसको, ये हटाया हमने। करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे कि आप कुछ देख पा रहे हो, किस तरीके से ये बॉक्स है इसका, इसको हटा दें, देखो ये हमने निकाला। ये तो हमारा नेक बैंड है, देखो ये रहा हमारा नेक बैंड, कुछ इस तरीके से आता है इसके अंदर। ये रखते हैं थोड़ा साइड में पहले। अब देखो दोस्तों, इसमें कुछ पेपर वर्क मिल जाता है जो कि इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, मतलब पाउच मिल जाता है इसके अंदर। देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको। जैसे कि हमने ये निकाला, अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये बोट का कुछ मैनुअल गाइड मिल जाता है इस तरीके का, ये रखते हैं साइड में। और ये कुछ मिल जाता है इसका पेपर वर्क, इसमें बताता है क्या क्या है, कैसे है। चलो इसे भी छोड़ो। 1 ईयर का वारंटी कार्ड मिल जाता है दोस्तों आपको, इसकी 1 साल की गारंटी है, मतलब वारंटी है 1 साल की, इसको भी रखते हैं। कुछ इस तरीके का आपको इसका स्टिकर मिल जाता है बोट का, कहीं पर भी लगा लेना इसको, मतलब अपने डैशबोर्ड वगैरह में कहीं पर भी। और देखो दोस्तों, ये हमको ईयर टिप्स मिलती हैं, मतलब एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलती हैं, और इसमें लॉन्ग और मीडियम है, मतलब एक्स्ट्रा लॉन्ग और मीडियम है, लॉन्ग हमारी उसमें लगी होती हैं। तो अगर आप इसे चाहें तो अपने मतलब ईयर्स के साइज़ के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। इसको रखते हैं साइड में। और ये हमको कुछ इस तरीके का मतलब डाटा केबल मिल जाता है, चार्जिंग केबल मिल जाता है, जो कि हमारा ये चार्ज करेगा। जैसे कि हम देख पा रहे होंगे, इसे इस तरीके का कुछ इसका लुक है रेड कलर का, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बोट शो है, बोट लिखा है यहाँ पर इस पर। और इसके जो पिन है ये है माइक्रो यूएसबी चार्जिंग है केबल। इसको भी रखते हैं साइड में। अब करते हैं अपने नेक बैंड की, मतलब देखते हैं इसमें क्या क्या है नेक बैंड में और किस तरीके से। तो दोस्तों इसका जो लुक है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझको, मतलब कि इसका लुक एकदम अट्रैक्टिव सा है। देखो इतना इसका वेट मैंने आपको पहले बता दिया, 30 ग्राम का वेट है इसका, बहुत ही हल्का वेट है इसका। और जो इसका लुक है बहुत ही अट्रैक्टिव सा लग रहा है। देखो इसके यहाँ पर मतलब ईयर हुक्स मिल जाते हैं, ये जो आप देख पा रहे होगे ये ईयर हुक्स हैं, मतलब आपके कान के सपोर्ट के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि आपके कान में अगर थोड़ा ढीला विला है तो आप ईयर हुक्स की वजह से मतलब आपको ईजी लगेगा। बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसे निकाल कर ही यूज़ करिए, बहुत मतलब कान में बेकार लगता है, अटकता है इस तरीके से, तो मैं तो इसको निकाल कर ही यूज़ करता हूँ। अब दोस्तों इसका जो कलर है, इसका कलर है नेवी ब्लू। आपको ये कुछ 5 कलर्स में मिल जाता है, जैसे कि टील, ब्लैक, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड येलो और नेवी ब्लू। हमारा जो कलर है ये है नेवी ब्लू, हमने ये नेवी ब्लू मंगाया था। आप 5 कलर में से किसी में भी ये परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो एक्सटर्नल ईयरफोन्स है, मतलब ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मेटल बॉडी है, ये कुछ इस प्रकार से मेटल बॉडी का बना हुआ है। देखो इस पर बोट शो है, बोट की बैंडिंग है इस पर, आप देख ही पा रहे होगे, जो आप लगाने के बाद बहुत ही दूर से बंदा पहचान जाए, हाँ ये बोट के ईयरफोन्स है। और यहाँ पर भी बोट शो है,
अब देख पा रहे हो इस पर भी बोट शो है, और जो इसकी बाकी की प्लास्टिक मतलब बाकी का जो पार्ट है वो प्लास्टिक का बना और कुछ रबड़ का बना हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो वायर है ये रबड़ की है और बाकी प्लास्टिक का है और ये मेटल का बना हुआ है। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं, इसमें 3 कंट्रोल बटन्स दिए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 3 कंट्रोल बटन्स हैं इसके यहाँ पर। अब ये कौन कौन से हैं, ये है वॉल्यूम अप और डाउन का और सॉन्ग को फॉरवर्ड और बैक का, मतलब यहाँ देख पा रहे हो ये माइनस लिखा है ये प्लस लिखा और यहाँ पर कुछ मतलब बिंदी सा बना हुआ है। अब इससे आप वॉल्यूम कम कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, गाने को फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और यहाँ से पॉज और प्ले कर सकते हैं, और कॉल आती है तो कॉल रिसीवर हैंग अप कर सकते हैं दोस्तों। तो जो डिज़ाइन है ना, मतलब इतना तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, मतलब इतना बढ़िया डिज़ाइन है, एकदम रबड़ लुक में है कि आपको इससे कितना भी मोड़ तोड़ के यूज़ कर सकते हो। ये इस प्रकार से है। यहाँ पर इसके इस साइड पर चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है, चार्जिंग जैक मतलब यहाँ पर लगाया गया, आप इसको चार्जिंग कर सकते हैं। और इसके बैक साइड पर राइट एंड लेफ्ट का मतलब एरो दिया गया है, जिससे कि आप पहचान सकें राइट कौन सा और लेफ्ट कौन सा है। अब इसके करते हैं फीचर्स के बाद, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से ये काम करता है। अब देखो जैसे कि इसमें एक क्वालकॉम का चिपसेट दिया गया है 3003 का, मतलब बहुत ही एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देगा। और इसमें जो है नॉइस कैंसिलिंग का सपोर्ट है, जिससे कि आपको आवाज़ सुनने में मतलब सॉन्ग सुनने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बाहर की आवाज़ भी आप थोड़ा बहुत सुन पाएंगे। अब इसके आगे की बात करते हैं तो इसमें 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर्स है जो कि बोट सिग्नेचर साउंड देता है, और अगर आपको बेस पसंद है ना तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका बेस बहुत ही अच्छा है। मतलब आपने पहले देख लो 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर से इसमें मतलब बेस इतना बढ़िया देगा और क्वालिटी इतनी अच्छी है इसकी सॉन्ग की, मतलब क्लियर साउंड देता है। हाँ, आप इसको एक ही टाइम में 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपके पास लैपटॉप है और मतलब फ़ोन भी है तो आप इसको दोनों डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है दोनों डिवाइस में कनेक्ट करने के बाद, एक डिवाइस से कनेक्ट करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अब इसमें बात करते हैं, इसमें एक मैग्नेटिक लॉक दिया जाता है जो बहुत ही अट्रैक्टिव सा लग रहा है। देखो बोट है दोनों तरफ और बहुत ही हार्ड मैग्नेटिक है, बट इसमें ऑटो ऑन ऑफ का सपोर्ट नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत नेक बोर्डों में मैग्नेटिक लॉक करते हैं तो ऑफ हो जाता है और ऑन हो जाता है, बट इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ सिंपल सा मैग्नेटिक लॉक दिया गया है। और इसका बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं, इसमें बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और 1 घंटे में फुल चार्ज कर देता है, और ये जो बैकअप देता है वो 6-6 घंटे विद 80% वॉल्यूम पे देता है, मतलब आप 6 घंटे तक इसको चला सकते हैं 80% वॉल्यूम में कंटिन्यू प्ले। और इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, वो 20 मिनट में 4 घंटा चार्ज कर देता है। और ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन, मतलब अगर आपके यहाँ लाइट कम ज़्यादा हो जाती है तो इसमें अपने आप ही ओवर वोल्टेज के लिए एक चिपसेट लगा है जो कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सपोर्ट करता है। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं, इसमें IPX5 स्वीट एंड वाटर रेजिडेंट है, मतलब आप थोड़ा बहुत पानी से बचाव कर सकते हैं, जब बारिश में अगर आप दौड़ वोड़ लगाने जाते हैं और बारिश पड़ जाती है तो आप इतना मतलब ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा, थोड़ा बहुत झेल लेगा पानी। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से अट्रैक्टिव लुक देता है, और इसका जो वेट है मैंने आपको पहले बता दिया 30 ग्राम मतलब 30 ग्राम का है, तो इसी वजह से कम्फर्टेबल है और लाइट वेट है। अब इसकी करते हैं हम प्राइस की बात, जो मैंने ये परचेस किया था ये अमेजोन से परचेस किया था 1150 मतलब 1150 का, बट ये वहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, आप इसको जाकर के एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं मिलता है तो अगर आपको अभी खरीदना है तो आप इसको फ्लिपकार्ट से जाकर के परचेस कर सकते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस है 1399 का, मतलब 1399 रुपये का, आप चाहें तो उसको जाकर परचेस कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना कि इसका वेट और लुक आपको कैसा लगा और इसका जो प्राइस है वो बजट के हिसाब से कितना कम्फर्ट है। तो फ्रेंड्स अगर ये प्रोडक्ट आपको वाकई अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की अनबॉक्सिंग और यूट्यूब टिप्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और अनबॉक्स या यूट्यूब टिप्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।